Good morning everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe. So tell me what is the day today? Aaj kaun si tithi hai? Chaliye dekh lete hain. So today is, aaj kaun si tithi hai? 27th, okay? Day is 27th of August. This is month, 8 se likhte hain. And 2021. Good day, Tithniya. Year is 2021. And aaj kaun sa din hai? Aaj hai Shukrawar. Means aaj kya hai? Aaj hai Friday. Theek hai? Aapne date khud likhni hai, 27th of August 2021. Aaj hum karenge worksheet number 57, Dohrai Karya. जो है वाक्य लिखो, सेंटेंसेस हमने लिखने हैं. मैम ने ये वाक्य आपको पहले भी लिखवाए हैं, है ना? आपको रीड एंड राइट करना ये आ गए होंगे. आज हम फिर से इन्हें दोहराएंगे, इनकी रिवीजन करेंगे. तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं. पहला क्या है? दादी ताजा खीरा लाई. दादी ताजा खीरा लाई. ये देखो, ये क्या है? ये है ताजा ताजा खीरा, है ना? ताजा ताजा खीरा. आप सबको अच्छे लगते हैं खीरे, तो हम क्या लिखेंगे? दादी ताजा खीरा लाई. अगला देखो क्या है? राघव तीर मत चला. राघव तीर मत चला. सो यहां हम नीचे लिख देंगे. अगला क्या लिखा है पढ़ लेते हैं. मीना सीटी मत बजा. के मीना सीटी मत बजा. सो हमने क्या बोला? मीना सीटी मत बजा. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन. दीदी घड़ी पहन कर आई. दीदी घड़ी पहन कर आई. ये देखो, दीदी ने क्या पहनी है? घड़ी. दीदी घड़ी पहन कर आई. तो पहला सेंटेंस क्या था? दादी ताजा खीरा लाई. चलिए लिख लेते हैं. दादी, ओके, दादी जैसी साउंड होगी वैसे. ताजा ताजा खीरा खीरा और आगे क्या है? लाई लाई लाई. ओके, अगला पढ़ेंगे. राघव तीर मत चला. राघव तीर मत चला. राघव कैसे लिखते हैं? भ, भ. राघव तीर तीर योग्या तीर मत मत चला. ठीक है, राघव तीर मत चला. अगला है मीना सीटी मत बजा. तो लिखेंगे मीना सीटी ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आपने मात्रा लगानी है. मत योग्य मत बजा. मीना सीटी मत बजा. ओके, मीना सीटी मत. अगला है दीदी घड़ी पहन कर आई. ये देखो, दीदी घड़ी, यह घड़ी पहन कर आई. आपने दोहराए कार्य रिवीजन वर्कशीट में ये घड़ी का चित्र बहुत बार देखा है और ये अब आपको लिखना भी आ गया है ना. घड़ी पहन कर आई. तो दीदी घड़ी
वहन और न वहन कर कर आई, तो यहाँ लिखेंगे आई। चलिए दोहरा लेते हैं, दादी ताजा खीरा लाई। ओके, ताजा ताजा खीरा। राघव तीर मत चला, राघव तीर मत चला, राघव तीर मत चला। अगला रीड करिए सेंटेंस। अगला है, मीना सीटी मत बजा। फोर्थ, दीदी घड़ी पहन कर आई। ओके, ऐसे ही वाक्य आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और उसे रीड एंड राइट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।